हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वायु इंटेक 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर का सीट्स रहने वाला है एयरफोर्स में। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3500 के अप्रॉक्स रहेगा। आगे जानेंगे इसकी बाकी की डिटेल, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये होता है एक ऑफिशियल पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं या फिर आपको अप्लाई का लिंक चाहिए, दोनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, फिलहाल इस पोस्ट की बाकी की सारी डिटेल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अप्लाई करने का जो डेट है ना, 8 जुलाई से 28 जुलाई, मतलब 8 जुलाई से 28 जुलाई रहेगा। फॉर्म की फी है 550 रुपये, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से फी जो लिया जाएगा 550 रुपीज़ लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एग्ज़ाम का डेट क्या रहेगा। एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा 18 अक्टूबर 2024 को। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। देखिए, इसमें आपको दो तरह के पोस्ट होंगे, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप वो वैसे कैंडिडेट होते हैं जो साइंस सब्जेक्ट वाले होते हैं, और वाई ग्रुप जिनका साइंस के अलावा दूसरा विषय होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्स ग्रुप जो साइंस वाले कैंडिडेट है उनका 10+2 होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ। ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। वाई ग्रुप वालों के लिए 10+2 में कम से कम 50%, मतलब साइंस के अलावा अगर दूसरा विषय है आपका, स्ट्रीम दूसरा है, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पर भी इंग्लिश में कम से कम 50% आपका होना चाहिए। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, ओनली 3 स्टेजेज, मतलब पहले स्टेज पर आपका सिंपल सा एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका पैटर्न मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, क्योंकि पता है कि इंडियन एयरफोर्स है तो थोड़ा बहुत फिजिकल तो सब में होता ही है, जो आर्मी आर्म्ड फोर्सेस होती है उनके लिए। और लास्टली सिंपल सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए, अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, एक्स ग्रुप का क्या होगा, वाई ग्रुप का, या फिर जो बच्चे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे, उनका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, फिजिकल सारा कुछ समझाऊंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्स ग्रुप वाले जो होंगे उनके लिए 70 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 1 आवर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब 70 क्वेश्चन 70 नंबर के लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। विषय वाइज अगर बात करें तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स के 25 और मैथ्स के 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एक्स ग्रुप जो साइंस विषय ले रखे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, फिजिक्स और मैथ से पूछा जा रहा है, इसके अलावा इंग्लिश से, तो इसी से समझ में आता है कि क्यों आपसे क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ स्पेशलिटी किया गया है। देखिए, वाई ग्रुप वालों के लिए 50 क्वेश्चन का पेपर होता है 50 मार्क्स के लिए, टाइम रहता है 45 मिनट्स का और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 का रहेगा, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें ना, तो इंग्लिश के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन रहेगा। ये हो जाता है आपका वाई ग्रुप, जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए होगा 100 क्वेश्चन का पेपर फॉर 85 मिनट्स एंड निगेटिव मार्किंग। तीनों ये आपको समझिए सेम ही एग्जाम है, तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जो एक्स वाई दोनों के लिए भरेगा, उससे इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। तो ये ओवरऑल एक्स एंड वाई बोथ वाले के लिए हो गया।
ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये तीनों नहीं देना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये साइंस वाले बच्चों का होगा एग्जाम, ये वाई ग्रुप जो साइंस के अलावा दूसरे विषय वाले होंगे, और ये जो दोनों मतलब अप्लाई करेंगे एक्स वाई दोनों के लिए, उनके लिए रहेगा। एक ही एग्जाम होगा जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा। देखिए फिजिकल मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो आपका हाइट का मेजरमेंट होता है कि आपकी क्या लंबाई है। मेल कैंडिडेट का जो मिनिमम हाइट है ना 152 यानी 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 152 सिर्फ रहेगा। अब चेस्ट कैलकुलेट होती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 77-82, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। फिर होती है आपकी रनिंग, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है, मतलब 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर हुआ। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में फीमेल्स को कंप्लीट करनी है। उसके बाद पुशअप लगाना होता है, मेल कैंडिडेट के लिए बस पुशअप होता है 10 लगाने होते हैं 1 मिनट में। उसके बाद आपका सीटअप्स होता है 10 होता है 1 मिनट में, मेल कैंडिडेट के लिए 10 लगाने होते हैं 1 मिनट 30 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट्स को। लास्टली स्क्वाट अप यानी कि उठक बैठक होता है, 20 करना होता है मेल को 1 मिनट के अंदर और फीमेल्स को 15 करना होता है 1 मिनट के अंदर। इस फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद सिंपल सा आप मेडिकल देंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या मिलेगी, शुरुआत होगा 30,000 से और लास्टली आपका सैलरी 40,000 रहेगा। हाँ, तो लास्टली इतना कम सैलरी कैसे मिलेगा, ये भी पॉइंट हो सकता है। देखिए आपको पता है कि अभी अग्निवीर के तहत हर जगह वैकेंसी कराई जा रही है, तो ये वैकेंसी अग्निवीर के तहत रहने वाली है 4 साल के लिए, लेकिन ये सैलरी के अलावा आपको साल में 30 दिन का लीव मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। जब आप 4 ईयर के बाद आपको आपके जॉब से हटाया जाएगा, लीव दिया जाएगा, उस समय आपको 10-11 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड बाकी की सारी जो डिटेल्स है, यही अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ऊपर मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन और भी बहुत बेनिफिट इसमें है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और जो मेडिकल की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। आई रिलेटेड बाकी की जो भी आपका ब्लड शुगर बहुत सारा टेस्ट वगैरह होता है वो सब उसमें मेंशन किया गया, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाइए वहां पे जाके डाउनलोड करके देख लीजिए। बाकी की जानकारी आई होप आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।